सहयोगी रविंद्र कुमार का उनके पास इस वक्त बड़ी खबर है। रविंद्र, क्या है लेटेस्ट? राज्यसभा के चेयरमैन ने जो एक उनके तरफ से जारी हुआ है चेयरमैन की तरफ से, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि राज्यसभा में अंडर रूल 267 आई सबमिट द नोटिस दैट फॉर सस्पेंशन ऑफ टुडेज बिजनेस, मतलब आज का सारा बिजनेस को सस्पेंड कर दिया गया है राज्यसभा में, और आई एम डिस्कस द ग्रेव सिचुएशन और कश्मीर के हालात पर चर्चा होगी। यानी राज्यसभा में आज कोई भी बिजनेस नहीं होगा, जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा होगी। और ये भी कहा गया है कि एक अर्जेंट बिजनेस, इसमें लेजिस्लेटिव बिजनेस भी इसमें होगा। तो कहीं ना कहीं जो कयास लग रहे थे उस पर एक तरह से और स्थिति स्पष्ट होते जा रही है कि आज राज्यसभा में जो सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से इसको लेकर है, वहां पर और कोई बिजनेस नहीं होगा, न जीरो आवर, न कोई भी और अन्य बिल पर डिस्कशन होगा, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर होगा, और संभावना है कि कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस को लेकर उसमें चर्चा होने वाली है। यानी 11 बजे से शुरू हो जाएगा। एक बार फिर से बताइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है, पार्लियामेंट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। राज्यसभा में जो नॉर्मल बिजनेस है आज वो नहीं होगा, जम्मू कश्मीर पर चर्चा होगी। आप एक बार फिर से पूरी खबर बताइए। देखिए, राज्यसभा के चेयरमैन की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि अंडर रूल 267 सारे बिजनेस को सस्पेंड किया जा रहा है पूरे दिन भर के लिए, और ग्रेव सिचुएशन ऑफ जम्मू कश्मीर इस पर डिस्कशन होगा। और दूसरा जो एक नोटिफिकेशन हमारे पास है देखने में है, उसमें जम्मू कश्मीर से संबंधित लेजिस्लेटिव बिजनेस यानी लेजिस्लेटिव बिल पर चर्चा होगी। यानी पूरे दिन आज जम्मू कश्मीर को लेकर राज्यसभा में चर्चा होने वाली है, इस तरह के नोटिस जारी हुआ है राज्यसभा के चेयरमैन। यानी कहीं ना कहीं बड़ी खबर है हमारे दर्शकों की क्लैरिटी के लिए, लेजिस्लेटिव बिजनेस ऑफ जम्मू कश्मीर, बताइए हमारे दर्शकों को इसका क्या मतलब है। अदिति, इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा चंद मिनटों बाद ही, क्योंकि दो चीजें इसमें अलग है। दर्शकों के लिए समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, दो चीजें, एक राज्यसभा में जीरो आवर होता है, उसके बाद किसी न किसी बिल पर डिस्कशन होता है, दूसरे दूसरे बिल पर। आज जो एक नोटिस जारी हुआ है चेयरमैन के द्वारा, उसमें साफ तौर कहा गया कि कोई जीरो आवर नहीं होगा, पूरे दिन कोई बिजनेस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अंडर रूल 267 जो नियम है उसके तहत जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा होगी। और दूसरा दिया गया कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड एक लेजिस्लेटिव बिजनेस, वो हो सकता है कि 10% जो इकोनॉमिकली आरक्षण है, वो बिल रखा जाए अमित शाह के द्वारा। यानी अमित शाह आज मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे आपको राज्यसभा में, क्योंकि कई पार्टियों ने, वामपंथी दल हो या दूसरे दल, सब ने एडजर्नमेंट नोटिस दिया है कि सारा कामकाज को छोड़कर ठप कर केवल और केवल जम्मू कश्मीर पर चर्चा कराया जाए। उसके पहले ही राज्यसभा चेयरमैन ने सरकार से सलाह मशविरा करने के बाद अपनी तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया है कि सारे बिजनेस को ठप किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर पर चर्चा होगी। बिल्कुल, हम यही दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, राज्यसभा में आज सारी कार्यवाही, जी हाँ, जो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स हैं उन्हें स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर मेरे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे कि राज्यसभा में आज सिर्फ जम्मू कश्मीर पर चर्चा डिस्कशन होने वाला है। सभापति ने सारी दूसरी कार्यवाही को, नॉर्मल रेगुलर कार्यवाही को स्थगित करते हुए साफ कर दिया है कि कश्मीर के हालात पर राज्यसभा में चर्चा होगी। ग्रेव सिचुएशन ऑफ कश्मीर वो कह रहे हैं, साथ ही जो वैधानिक प्रोसीडिंग्स है उनका यहां पर जिक्र किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर जी न्यूज पर आपको हम इस वक्त का सबसे लेटेस्ट अपडेट पहुंचा रहे हैं। पहले हमने आपको बताया सीसीएस की बैठक, उसके बाद कैबिनेट की बैठक, अब देखिए सबकी निगाहें टिकी हुई थी पार्लियामेंट में क्या होता है। तो राज्यसभा से भी जुड़ा हुआ अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं कि नॉर्मल प्रोसीडिंग्स जो है उन्हें स्थगित किया गया है और जम्मू कश्मीर पर चर्चा होनी है। राहुल सिन्हा, हम बार बार अपने दर्शकों से बार बार ये बात कह रहे हैं कि खबर को समझिए, खबर को समझिए, तथ्यों को समझिए, और इसीलिए जी न्यूज सिर्फ और सिर्फ आपके सामने तथ्य रख रहा है। हम देखें सीसीएस, फिर कैबिनेट की बैठक, अब राज्यसभा में कश्मीर पर चर्चा बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो मुझे लगता है कि शायद अब से 15 मिनट बाद स्थिति और भी तस्वीर साफ होगी, और सरकार ये चाहती भी है कि कोई भी फैसला लिया जाए तो वो आम सहमति के साथ लिया जाए। हालांकि कुछ नेता जरूर ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से कश्मीर की समस्या
इतनी सहज तरीके से सही हो सके। देखिए जिस तरीके की बयानबाजी अभी शुरू हुई है कांग्रेस की तरफ से, खासतौर से गुलाम नबी आजाद जो बात अभी कह रहे हैं, वो फिर ये बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, पॉलिटिकल पार्टीज, मेन पॉलिटिकल पार्टीज को दबाया जा रहा है, वो अच्छा नहीं है। लेकिन जब उनसे ये सवाल पूछा जाए कि इन मेन पॉलिटिकल पार्टीज ने पिछले 65 साल में कश्मीर में किया क्या है, तब शायद उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। आखिर क्यों ऐसी स्थिति बनी कि 2014 से लेकर 2019 तक, या फिर आप उससे पहले भी जाइए, कश्मीर में जब पत्थरबाजी होती थी तब वो तमाम तथाकथित बड़े कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता इतनी हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाते थे कि वो शोपियां में जाकर, पुलवामा में जाकर, अनंतनाग में जाकर, उन गांवों में जाकर उन पत्थरबाजों को समझा सके कि आप इस तरीके से देश के सुरक्षा बलों के खिलाफ पत्थर मत उठाइए। आप इस चीज को समझिए, और मुझे लगता है देश को भी समझना होगा कि कश्मीर के अंदर तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो कि खुद को अपनी रहनुमा बताती हैं कश्मीर का, वो अपना जनाधार खो चुकी हैं। जो खासतौर से दक्षिण कश्मीर है, वहां इन पार्टियों के बड़े नेताओं की हिम्मत नहीं होती कि वो गांव के अंदर जाकर के उन लोगों को समझा सके, उन लोगों को बता सके कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऐसी स्थिति में आप कैसे कहते हैं कि हम उन पार्टियों के, हम उन वहां के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, वहां के लोग हमारे साथ हैं? तो बड़ी स्पष्ट स्थिति है। लेकिन ये तय है कि राज्यसभा में अब चर्चा होगी इस बात को लेकर के, सरकार की तरफ से ये मुझे लगता है कोशिश की जा रही होगी कि किसी भी तरीके से वो तमाम लोग जो कि शायद अफवाहों के जरिए या शायद एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम जवाब राज्यसभा में सरकार के द्वारा दिए जाएं। बिल्कुल, एक तरह का जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं अपनी सियासत के नाम पर, उस इशू को एड्रेस किया गया। और आप पत्थरबाजों का जिक्र कर रहे थे, समझ लीजिए यहाँ पर एक बार फिर से आपको दोहरा रही हूँ, यही पत्थरबाज आगे बनकर आगे जाकर आतंकी बने। सोचिए कितना नुकसान इन्होंने, ना राज्य का भला किया ना देश का भला किया हमारे पॉलिटिशियंस ने, जो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस थे, और ना ही उन युवाओं का भला किया। अगर उन्हें सही रास्ता दिखाते, थोड़ा सा फोर्स का इस्तेमाल करते, उनसे बात करते, तो शायद उन्हें आतंकी बनने से रोक लेते। लेकिन उन्हें गुमराह किया गया इन पॉलिटिशियंस द्वारा। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जीजी द्विवेदी साहब भी जुड़ गए। पल का अपडेट देखिए, जी न्यूज की स्क्रीन लगातार मूव करते हुए तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वादे के साथ कि कोई भी खबर आपसे छूटेगी नहीं और कोई भी तथ्य आपसे नहीं छूटेगा। पूरी कवरेज पूरे तरीके से फैक्ट्स पर बेस्ड और एक्सपर्ट्स की राय भी। जीजी द्विवेदी साहब डिफेंस एक्सपर्ट है सर, सियासत करने वाले सियासत कर रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाम पर जम्मू कश्मीर में जो हालात, बैट की तरफ से जिस तरह की गुस्ताखी की गई है बीते 8 दिनों में, फौज ने माकूल जवाब दिया है जम्मू कश्मीर की। आज की सुबह को जिसे ऐतिहासिक सुबह भी हम कह सकते हैं, अमन के नए अध्याय की शुरुआत हम कह सकते हैं, आप कैसे देखते हैं इस तस्वीर को? देखो, मैं तो इसको एक टर्निंग पॉइंट देखता हूं, क्योंकि एक बड़ा बहुत बदलाव आने वाला है। पिछले 70 साल में कोई भी हम इसका मसला हल नहीं कर पाए, तो इसलिए कोई नई चीज करने की जरूरत है, कोई नया ऐसा बड़ा कदम उठाने की जरूरत है ताकि इस जो मसले को हम हल कर पाए। और इसके लिए मेरे ख्याल सरकार ने एक बहुत अच्छी रणनीति बनाई है, और रणनीति के लिए उन्होंने काफी इस पर ग्राउंड वर्क किया है, काफी बेस बनाई है। आप देखो कि पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान को भी हम रास्ते पर लाए हैं, अपने जो इतना दबाव बनाया है हमने उग्रवादियों के ऊपर, उनको ऑल आउट जो ऑपरेशन चला है, बहुत दबाव आया है, और कानून में भी संशोधन लाए हैं। तो इसलिए ये मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है, और मेरे ख्याल ये समय आ गया है कि इस हमारे मुद्दे को हल करना है। और सुरक्षा बलों ने, सेना ने एक अच्छी ग्राउंड तैयार कर दी है जिसमें हम एक बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन ले सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इस टाइम जितने विपक्षी दल हैं उनको गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए, ना के विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये एक नेशन का मसला है, और ये हमें पूरे देश को हल करना है, और साथ ही साथ हमें आवाम को साथ रखना है ताकि कोई भी अफवाहें वो गुमराह ना करें, और ये हमारे जो यूथ तबका है उसको भी साथ लेना है। तो मैं यही कहूंगा कि ये समय है एक बड़े बदलाव का, एक टर्निंग पॉइंट का, और ये ऐतिहासिक समय है जबकि हम इस जो मुद्दे को सुलझा सकते हैं। सर, आपने बहुत सही लफ्जों का इस्तेमाल किया, नहीं लफ्जों का इस्तेमाल हम भी कर रहे हैं, ऐतिहासिक, टर्निंग पॉइंट, कश्मीर क्रांति, कश्मीर हमारा है, क्योंकि भारत
70 साल से जिस फैसले का इंतजार कर रहा था, आज उस फैसले का दिन आ गया है। जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं और जिस तरह के तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं, बताने के लिए काफी कि योजनाबद्ध तरीके से कश्मीर में शांति के एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। आशुतोष मिश्र, मैं आपके पास आऊंगी। मेरे सहयोगी विशाल पांडे को मैं स्क्रीन पर देख पा रही थी, प्रधानमंत्री आवास के बाहर से ही हमारे साथ हैं। विशाल, आपके पास क्या ताजा अपडेट है? कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी, उसे लेकर क्या कोई ताजा खबर या कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास? देखिए अदिति, अब से थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक खत्म होने वाली है, जो कि लगभग पिछले 25 मिनट से प्रधानमंत्री के घर पर चल रही है। और इस कैबिनेट की बैठक से पहले यहाँ पे सीसीएस की बैठक हुई और उससे पहले अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बैठक यहाँ पर हुई थी। माना यह जा रहा है कि इसी कैबिनेट की बैठक के बाद से कश्मीर पर कोई बड़ा ऐलान संभव है और इस कैबिनेट की बैठक के बाद से उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि अमित शाह संसद के दोनों सदनों में अपना बयान भी दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, विपक्षी नेता अभी संसद में बैठक कर रहे हैं कि आज उनकी रणनीति क्या रहने वाली है, सरकार को कश्मीर मुद्दे पर वो जवाब मांग रहे हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार बता रहे थे कि राज्यसभा में आज जम्मू कश्मीर मामले पर ही चर्चा होगी, तो जो फैसले यहां पर लिए जाए, क्या पता शायद अमित शाह उन्हीं फैसलों को आज सदन में बताए। पर बताया ये जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं, कोई ऐतिहासिक फैसला होगा, बड़ा फैसला होगा। और जिस बात को लेकर जम्मू कश्मीर को अपने घोषणा पत्र में बीजेपी लगातार चलती रही है, उस मामले की शुरुआत शायद आज से कर दे। और आपको याद होगा सदन में अमित शाह ने कहा था, जब प्रेसिडेंट रूल को आगे बढ़ाया जा रहा था जम्मू कश्मीर में, कि हम जम्मू कश्मीर की समस्या के जड़ तक पहुंच चुके हैं, उसका समाधान हमें करना है। क्या उस समाधान की शुरुआत अमित शाह आज से करेंगे? वो कौन सा समाधान है, वो कौन सा फॉर्मूला है जिसकी चर्चा लगातार पिछले कुछ दिनों से हो रही है? सभी विपक्षी दलों को एक कर दिया है, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा कौन सा कदम है अमित शाह का जिसको लेकर इतना ज्यादा हंगामा जम्मू कश्मीर में विपक्षी दल मचा रहे हैं? वो अब से थोड़ी देर में पता चलने वाला है, क्योंकि थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक यहां पर खत्म होने वाली है। फारूक अब्दुल्ला को लेकर तो कहा ही जा रहा है कि 35A को लेकर ही तो उन्होंने अपनी सियासत को जिंदा रखा है, लेकिन यह भी एक बड़ा फैक्ट है कि जितना विकास का काम अंडर गवर्नर्स रूल हुआ है, उससे लोग ये कहते हैं कि उन्हें किसी पार्टी की सरकार नहीं चाहिए, वो गवर्नर्स रूल में ही खुश हैं। बताने के लिए काफी कि अपने पॉलिटिशियन से, नेताओं से कितने ज्यादा त्रस्त हैं। और रेस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म होने के नाते हम भी राजनीतिक दलों से ये अपील करते हैं, ये देश का सवाल है, ये जम्मू कश्मीर का सवाल है, ये राष्ट्र में शांति का सवाल है, तो प्लीज आप जो भी स्टैंड लीजिए, संयम बरतिए, रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन बनिए, विरोध के लिए विरोध मत करिए, कम से कम जब भारत का सवाल हो तो सरकार के साथ खड़े दिखाई दीजिए। आशुतोष मिश्र, आपको फ्लोर दे रही हूं, लेकिन मेरी आपसे यही अपील है सर, एक एक लफ्ज इस बात का ध्यान रखें कि एक एक लफ्ज लोगों को भरोसा दे, उनके मन में संशय पैदा ना करे या किसी तरह की अफवाहों को बल ना दे सर। और आपके पास आऊंगी आशुतोष मिश्र जी, लेकिन गवर्नर साहब का रिएक्शन हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। सत्यपाल मलिक, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, सुनिया। इट्स नॉर्मल, ओनली र्यूमर मॉन्गरिंग इज गोइंग ऑन, इट्स ए वेरी रूटीन थिंग हियर। इफ यू स्नीज एट लाल चौक, इट बिकम्स ए एक्सप्लोजन व्हेन इट कम्स हियर। सो unnecessary panic is being created by some vested interests and especially some political parties, otherwise there is nothing new. You have met Umar Abdullah, Mehboob Mufti and others? Yes, they have gone satisfied, both of them, and whatever they expected from me, I did it. After their going, I issued this statement. As far as I know, to me from the center, there is no inclination that there is something is going to happen here. I don't know about tomorrow, but that's not in my hands. But till today, there's nothing to worry. तो यहां पर आपको अब एक और तस्वीर दिखाएंगे, एक और रिएक्शन दिखाएंगे। गवर्नर साहब को आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं शांति बनाए रखिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, उनकी अपील आपको सिलसिलेवार तरीके से हमने दिखाई। उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अननेसेसरीली संशय का माहौल बना रही हैं, लोगों में एक तरह का डर पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं, सियासी दल ऐसे जो सियासत कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद की प्रतिक्रिया आपको दिखा रहे हैं। 2016 में रात के 8 बजे की अनाउंसमेंट हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी को सपना आया था कि डिमोनेटाइजेशन अनाउंस करनी है, और उसका असर आज तक भी खत्म नहीं हो रहा है। इसी तरह फिर एक दफा माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को सपना आ गया कि कुछ कश्मीर में करना है, तो जो डिमोनेटाइजेशन की वजह से पूरा देश पीछे चला गया, आज जम्मू कश्मीर को फिर वो 70 साल पहले ले जाना चाहते हैं, जिस 70 साल में
जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से जोड़ने के लिए जो कुर्बानियां दी थी उन कुर्बानियों में तो बीजेपी का कोई हिस्सा नहीं रहा है और न वो इतिहास को जानते हैं और न समझना चाहते हैं और न उसमें कोई रुचि है, तो इसका तो हम बिल्कुल कंडम करते हैं। डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में खत्म की जा रही है। गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं डेमोक्रेसी लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। हमारे साथ तरुण चुग साहब जुड़ गए बीजेपी से। तरुण चुग साहब, जो गुलाम नबी आजाद ने कहा मैं उसी पर आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों से ये अपील, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, तथ्यों पर ध्यान दीजिए। जी न्यूज इसीलिए ये फैक्ट्स बेस्ड स्पेशल ब्रॉडकास्ट आपके लिए लेकर आया है। पल पल की खबर मेरे सहयोगी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन तरुण चुग साहब, गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं बीजेपी ने कश्मीर के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी और 70 साल पहले लेकर जा रही है बीजेपी, ये सियासी आरोप लग रहा है। ऐसा है कि आज का दिन सियासत करने का नहीं है और गुलाम नबी साहब ने बहुत हल्का बयान दिया है। इन जैसे नेताओं को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि उनका पक्ष कांग्रेस का पक्ष है। मैं सिर्फ उन्हें याद दिलाना चाह रहा हूं कि ये वही जम्मू कश्मीर है जिसका विलय नेहरू जी ने करवाया था। बाकी सब विलय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराए और आज कहीं भी वो समस्या नहीं। उन्होंने कहा बीजेपी का बलिदान, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी दो विधान दो निशान दो प्रधान और परमिट के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया था। वो जनसंघ यानी भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष थे और जम्मू कश्मीर के लिए चाहे वो सीतालाल टिकलू हो या हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। तरुण चुग जी, माफी के साथ सर आपको यहाँ पर रोक रही हूँ मैं, क्योंकि हमारे दर्शकों तक ये बड़ी खबर पहुंचानी बहुत जरूरी है। कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक शुरू हुई थी करीब आधा घंटा पहले। आपके लिए ताजा अपडेट यही, प्रधानमंत्री आवास पर चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। ज्यादा डिटेल्स के लिए मेरे सहयोगी विशाल पांडे का रुख करते हैं। विशाल, क्या बता सकते हैं, क्या निकल कर आया कैबिनेट की बैठक में? देखिए, ये अब से थोड़ी देर में साफ हो जाएगा अदिति कि आज इस बैठक में क्या फैसला कश्मीर को लेकर लिया गया है, लेकिन अभी की अपडेट यह है कि गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री के आवास से निकल चुके हैं, कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। पिछले आधे घंटे से लगातार ये बैठक चल रही थी प्रधानमंत्री के घर पर और कैबिनेट की बैठक से पहले सीसीएस की बैठक हुई थी जिसमें जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई थी, सूत्र बता रहे हैं, और उससे पहले अमित शाह और प्रधानमंत्री की भी बैठक हुई थी। अब क्योंकि आज सदन में अमित शाह को बयान देना है तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि कैबिनेट के जो फैसले हुए हैं उसकी जानकारी शायद गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में 11 बजे जब जम्मू कश्मीर पर चर्चा की शुरुआत हो उस वक्त दे सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि बड़ा फैसला कोई लिया गया है इस बैठक में। क्या फैसला लिया गया है जम्मू कश्मीर को लेकर, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा अदिति, क्योंकि काफी गोपनीय रखा गया है इस बार जो भी फैसला इस मामले को लेकर लिया गया है और क्या नीतिगत फैसला है, क्या इसको लेकर सिर्फ ऑर्डर की ही जरूरत पड़ेगी या फिर जो फैसला लिया गया है उसको पार्लियामेंट की भी जरूरत पड़ेगी। हालांकि बीजेपी के सभी सांसदों को व्हिप जारी किया गया 3 दिन सदन में लगातार मौजूद रहने के लिए, तो अब देखना ही होगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर को लेकर इस कैबिनेट की बैठक में क्या फैसला लिया गया है अदिति। तो हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के हालात पर जवाब देंगे। मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ हैं, वो बता रहे हैं कि थोड़ी देर में ही साफ हो पाएगा कि कैबिनेट की जो बैठक थी उसमें बड़े फैसले क्या लिए गए हैं। लेकिन विशाल पांडे, सवाल ये भी है, जो वहां पर मंत्रीगण मौजूद थे, बड़े लोग मौजूद थे, क्या वो प्रधानमंत्री आवास से निकलने शुरू हो गए हैं? क्योंकि राज्यसभा में भी गृह मंत्री अपनी बात रखने वाले हैं। जम्मू कश्मीर पर कहा गया, साफ किया गया चेयरपर्सन द्वारा कि भाई नॉर्मल डिस्कशन नहीं होगा, नॉर्मल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, जम्मू कश्मीर पर चर्चा होगी। देखिए, फिलहाल अभी गृह मंत्री अमित शाह ही इस मीटिंग से बाहर निकले हैं, कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है, क्योंकि मैं अपने पीछे जहां तक देख पा रहा हूं अब से थोड़ी देर में जिस तरह की तैयारी मुझे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि चारों तरफ से कैमरामैन रिपोर्टर्स प्रधानमंत्री घर के गेट के बिल्कुल बाहर मौजूद है, क्योंकि और भी गाड़ियों के निकलने का सिलसिला अभी जारी है, कुछ गाड़ियां और निकली है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी है वो भी धीरे धीरे यहां से निकल रहे हैं, क्योंकि जो फैसला लेना था, जो बैठक में चर्चा होनी थी, वो इस बैठक में चर्चा हो गई, क्योंकि सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु अगर आज कोई है तो वह है गृह मंत्री अमित शाह, पूरे देश की निगाहें अमित शाह पर है। बिल्कुल, रविंद्र कुमार हमारे साथ है। रविंद्र, क्या आपके पास कोई लेटेस्ट जानकारी है, कैबिनेट की मीटिंग में क्या निकलकर सामने आया है?
देखिए अदिति, दो बातें हैं। सीसीएस की बैठक का कोई ब्रीफिंग नहीं होता, हालांकि जो एक्सेप्शनल केसेज होते हैं उसमें कभी कभार ही हुआ, जैसे कि पुलवामा हुआ था उस पर सरकार ने सीसीएस की बैठक हुई, आपको याद होगा कि अरुण जेटली, उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आकर मीडिया के सामने ब्रीफिंग किया था। अमूमन सीसीएस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है, फैसला लिया जाता है उसे एक्सक्यूट किया जाता है। और कैबिनेट में, जैसा कि मैंने पहले कहा, कैबिनेट में जम्मू कश्मीर से रिलेटेड नहीं, बल्कि जो अगले तीन दिन जो सेशन बचा हुआ उसमें कौन कौन से बिल और किस मंत्रालय के आएंगे, इस पर चर्चा होने की ज्यादा संभावना। हालांकि कैबिनेट की ब्रीफिंग होती है, पिछले हफ्ते भी हुई थी, इस हफ्ते भी होने की पूरी संभावना, लेकिन सीसीएस के बारे में जानकारी अमूमन नहीं आती है पब्लिक के तौर पर, अनलेस की एकदम एक्स्ट्रा जो ऐसा सिचुएशन हो जिसमें जानकारी देनी बहुत जरूरी है। तो माना जा रहा है कि 11 बजे जब अमित शाह 10% रिजर्वेशन को लेकर बिल रखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे, तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के पूरे हालात को ओवरऑल वो अपनी बात को रखे राज्यसभा में। बिल्कुल राहुल सिन्हा, एक कमेंट में आपका भी ले लेती हूँ। 11 बजे राज्यसभा में गृह मंत्री बोलेंगे कहा जा रहा है, 12 बजे लोकसभा में गृह मंत्री बोलेंगे, क्या हम ये कहें अब से करीब 43 मिनट बाद तस्वीर साफ हो जाएगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है 45 मिनट बाद तस्वीर साफ होगी, और वो तमाम चीजें जो कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कश्मीर को लेकर, एक नई पहल, एक नई कोशिश और कश्मीर के लिए एक नई सुबह, शायद 11 बजे के बाद सामने देखने को मिले। एक बार फिर से आपको अपडेट कर देता हूं, कश्मीर में स्थिति बिल्कुल सामान्य है, किसी तरीके का कोई टेंशन कोई तनाव नहीं है। खासतौर से जो कश्मीर के आम लोग हैं वो उसी तरीके से हैं जिस तरीके से वो कल तक थे, कल रात 11:30-12 बजे तक थे। जो भी पैनिक है, जो भी स्थिति खराब है, वो सिर्फ कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की खराब है। राहुल, आप रहिए हमारे साथ, कई खास मेहमान भी इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आशुतोष मिश्र को, साथ ही जीजी द्विवेदी, और भी कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए, हिंदुस्तान के लिए, 21वीं सदी के भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक। कश्मीर क्रांति की बात यहां पर की जा रही है, सीसीएस की मीटिंग, कैबिनेट की मीटिंग, अब पार्लियामेंट में गृह मंत्री बोलने वाले हैं 11 बजे राज्यसभा में, 12 बजे लोकसभा में। पल पल का अपडेट, कंप्लीट कवरेज फैक्ट्स के साथ, तथ्यों के साथ। ब्रेक के इस पार भी जारी।